शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी उम्मीदवार चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। वहीं शिमला के सुंजौली वार्ड से चुनाव लड़ रही पूर्व महापौर सत्या गोंडल ने कहा कि वार्ड के लोग उनके काम से संतुष्ट हैं। आपको बता दें कि सत्या गोंडल सुंजौली से पार्षद और महापौर भी रह चुकी है। सबसे पहले तो मैंने अपने श्रेष्ठ नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद बाहर प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मेरे को तीसरी बार संजौली चौक से यहाँ से पार्षद का टिकट दिया है। तो आपको पता ही है कि शिमला में 2016 में जब कांग्रेस ने जो है स्मार्ट सिटी धर्मशाला को दी थी, हमें कोई ऐतराज नहीं, धर्मशाला भी हमारा वो है, और लेकिन अगर जो है शिमला को वंचित रखा गया था। तो हमारी सरकार जो पूर्व में हमारी सरकार रही और यहाँ से जो शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी थे, उन्होंने जो है केंद्र में जाके इसकी लड़ाई लड़ी, और हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है वो हिमाचल से खासकर शिमला से बहुत लगाव रखते हैं। तो उन्होंने हमारे को जो है अमृत के तहत 500 करोड़ रुपया दिया, उसके बाद उन्होंने हमारे को स्मार्ट सिटी के तहत 18,000 करोड़ दिया, और उन पैसों से हमने जो है शिमला शहर की तस्वीर बदल दी, आप देख ही रहे होंगे। और किसी बिना भेदभाव से हमने सब जगह जो है विकास किया है 34 के 34 वार्डों में। अगर मैं अपने वार्ड की बात करूं तो मैं अपने वार्ड में 100 करोड़ की लागत से कार्य किए हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 फ्लाईओवर बने हैं, 4.5 करोड़ के, 3.5 करोड़ के, और यहाँ से आईजीएमसी हॉस्पिटल के लिए, जबकि यहाँ बर्फ़ गिरता है पेशेंट को ले जाना बहुत मुश्किल होता है, तो हमने जो एक कवर्ड पाथ बनाया, आपने देखा होगा 28 करोड़ की लागत से हमने ये बनाया है। और इसी तरह जो मेरे वार्ड में है, हमने 5 एम्बुलेंस रोड बनाए हैं, और आप देख रहे होंगे कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। अगर मैं अपर नॉर्थ की बात करूँ, यहाँ मैक्सिमम कांग्रेस लोग रहते हैं, लेकिन नहीं, हम किसी भी पार्टी पे नहीं गए, क्योंकि हमारी पार्टी का यही आदेश था, चाहे कहीं कांग्रेस रहे, चाहे बीजेपी रहे, चाहे सीपीएम रहे, लेकिन हर जगह जो डेवलपमेंट का काम करना है। तो आप जाइए, जो नॉर्थ ओक के लिए हमने सड़क बनाई है जो कभी नहीं बन सकती थी, और उसके लिए हमने कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी, और आज हमने इस रोड को बनाया, और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये रोड जो है जो कोई नहीं बना सका वो हमने बनाई है। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि हर घर में, हर घर घर तक टाइलें, स्मार्ट रेलिंग, आप कभी डिंगू धार जाइए, डिंगू धार देखिए, आपके 2 पार्किंग, 2 बड़े बड़े पार्क, और डिंग माता मंदिर के लिए हमने जो है लोग जो वहाँ पे मंदिर जाते हैं उनके लिए जो हमने स्मार्ट रेलिंग वहाँ लगाई, रेड स्टोन हमने वहाँ लगाया। तो इस तरह के हमने बहुत सारे कार्य जो किए हैं, और पानी की जो हमारी ये कहीं भी कमी नहीं है, और हमने 3-3 इंच की पानी की लाइन बिछाई हर वार्ड में। मेरे ये कोई भी वार्ड ऐसा नहीं है जहाँ से 4 इंच की जो पाइप थी सिवरेज की, उसको हमने 6 इंच में बदला है। तो मेरा तो एक ही मकसद है कि हमने बहुत काम किया है, और जो थोड़े से काम जो बाकी सिटीजन हमारे साथ कितने जुड़े हैं, तो मेरा एक मकसद था कि हम सीनियर सिटीजन एक क्लब बनाएं ताकि सीनियर लोग वहाँ बैठ सके, और लाइब्रेरी बनाएं बच्चों के लिए। आपको पता है कि हमारा जो संजौली का एरिया है, यहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं वो नशे की चपेट में हैं, तो उनको नशे से कैसे बचा सकते हैं। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि मैंने 10 साल कंटिन्यू जो है रिक्वेस्ट करके यहाँ पे जो है चौकी से थाना बनाया था, लेकिन जो सरकार आई वर्तमान सरकार ने उसको डी नोटिफाइड किया, तो हमें जो यहाँ के जो बच्चे हमेशा प्यारे नशे में रहते हैं, तो जो आज का जो जनरेशन है हम इसको कैसे बचा सकते हैं। तो ये क्योंकि जो आज की जनरेशन है ये कल का भविष्य है, तो हमने इनको बचाने के लिए जो हमने पूरा प्रयास करना है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड में काफी विकास हुआ है, पानी और बिजली की सप्लाई अच्छी रही है, साथ ही कोरोना काल में पार्षद द्वारा लोगों का काफी सहयोग किया गया है। लेकिन संजौली व इंजन घर वार्ड में आवारा कुत्तों का आतंक आए दिन देखने को मिलता है। वार्ड में हर रोज आवारा कुत्ते किसी न किसी का शिकार करते हैं। आवारा कुत्ते झुंड बनाकर सीढ़ियों में सोए रहते हैं, जैसे ही लोग इन रास्तों से गुजरते हैं कुत्तों का झुंड इन पर झपट पड़ता है। लोगों ने इन कुत्तों को पकड़ने की मांग की है। ए चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट।